हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी को लेके कई सारी अपडेट्स आ रही हैं। सबसे पहली अपडेट जिसके बारे में आप जानते हैं कि एंडी मस्केटी बैटमैन ब्रेव इन द बोल्ड को डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक और अपडेट निकल के आ रही कि इन्होंने वार्नर ब्रदर्स के साथ फर्स्ट लुक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया हुआ है। अब फर्स्ट लुक कॉन्ट्रैक्ट का गाइज ये मतलब होता है कि डीसी के अलावा भी अगर एंडी मस्केटी के दिमाग में कोई स्क्रिप्ट है या उन्होंने कोई नई स्क्रिप्ट लिखी है तो सबसे पहले वो वार्नर ब्रदर्स को अप्रोच करेंगे उस स्क्रिप्ट के साथ, और वार्नर ब्रदर्स को वो स्क्रिप्ट समझ में आई तो वार्नर ब्रदर्स ही उस स्क्रिप्ट को प्रोड्यूस कर देगा। ये होता है फर्स्ट लुक कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट रॉबर्ट पैटिनसन ने भी साइन किया हुआ है वार्नर ब्रदर्स के साथ। तो पहली अपडेट तो ये है। दूसरी अपडेट ये है कि सुपरमैन की जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कुछ ही दिन में स्टार्ट हो सकता है। अब गाइज मैं एक बात आपको बता दूँ, मैंने पिछली बार जब ये अपडेट दिया था तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे। वो ये कह रहे थे कि सुपरमैन लेगेसी की तो फिल्मिंग ही नहीं स्टार्ट हुई अभी, तो कैसे टेस्ट स्क्रीनिंग होने लगी। तो मैं बता दूं, स्क्रीनिंग टेस्ट और टेस्ट स्क्रीनिंग में फ़र्क होता है। टेस्ट स्क्रीनिंग का मतलब होता है मूवी कंप्लीट हो चुकी है और कुछ ऑडियंस को दिखा के उनका रिस्पॉन्स लिया जा रहा है मूवी पर, लेकिन जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसका ये मतलब होता है कि एक्टर्स ऑडिशन कर रहे हैं रोल के लिए। तो सुपरमैन लेगेसी के जो रोल्स हैं सुपरमैन, लुइस लेन और लेक्स लुथोर का, उसके लिए एक्टर्स कुछ ही दिन में स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। यानी कि गाइस इस बार का जो कॉमिक कॉन होने वाला है वो डीसी फैंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ढेर सारे ट्रेलर्स भी हमको देखने को मिलेंगे और शायद सुपरमैन लेगेसी का पूरा कास्ट एंड क्रू की इन्फॉर्मेशन भी हमको मिल जाए। फ्लैश मूवी के बॉक्स ऑफिस पर बात करें तो चाइना में जो इसके नंबर्स हैं फ्राइडे कलेक्शन यानी ओपनिंग डे के, वो बेटर देन द बैटमैन है। यानी रॉबर्ट पैटिनसन की बैटमैन से बेटर कलेक्शन निकल के आया है फ्लैश मूवी का, और चाइना में जो वर्ड ऑफ माउथ है गाइज वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस मूवी का। हालांकि मैंने कई बार आपको बताया है पेंडेमिक के बाद से जो चाइना का बॉक्स ऑफिस है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से वर्ड ऑफ माउथ है उम्मीद कर सकते हैं कि $50 मिलियन के ऊपर लाइफ टाइम रन हो सकता है फ्लैश मूवी का चाइना के मार्केट्स में। और नेक्स्ट अपडेट यह है कि पेंगुइन की टीवी सीरीज जो रॉबर्ट पैटिनसन के बैटमैन का स्पिन ऑफ है उसकी रेटिंग TVMA है, यानी कि मैच्योर ऑडियंस रेटिंग। यानी मूवीज़ के हिसाब से अगर देखें तो इस रेटिंग को R रेटिंग बोला जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा गोर और वॉयलेंस बहुत ज़्यादा होने वाला है। हालांकि हमें पहले ही से आइडिया था कि पेंगुइन की टीवी सीरीज़ जो है वो R रेटेड होगी, लेकिन आप जानते हैं राइटर्स की स्ट्राइक चल रही है अमेरिका में, तो इस साल तो ये टीवी सीरीज रिलीज नहीं होगी। 2024 यानी कि नेक्स्ट ईयर में ही ये टीवी सीरीज रिलीज हो सकती है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगला साल जो है वो मूवीज़ के मामले में काफ़ी ज़्यादा कहें तो ठंडा रहेगा। यानी डीसी की ज़्यादा मूवीज़ नहीं आ रही हैं, केवल एक आ रही है वो है जोकर 2, लेकिन टीवी सीरीज़ हमें ढेर सारी देखने को मिल रही हैं। हमें क्रिएचर कमांडो की टीवी सीरीज देखने को मिलेगी, पेंगुइन की टीवी सीरीज देखने को मिलेगी। यानी शोज तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मूवी केवल एक रहेगी, जोकर 2, जो एक एल्सवर्ल्ड का प्रोजेक्ट है। तो यही थी कुछ डीसी अपडेट्स, और डीसी न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।